साथियों, आज हमारी पार्टी का जो प्रेस वार्ता है उसमें मैं आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोगों ने जब से पार्टी में कुछ चेंजेस आई है, लीडरशिप चेंजेस आई है देश में, जब तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान साहब थे, तो 2000 में उन्होंने 2000 में पार्टी स्टार्ट हो गई। उसके बाद में तीन साल का इलेक्शन होता था पार्टी में। 2015 के नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये फाइनलाइज हो गया कि अब इलेक्शन 3 साल के बदले 5 साल का होगा। तो 2015 के बाद जो इलेक्शन होना था वो 2020 में होना था। इन द मीन टाइम 2019 में पासवान साहब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से पार्टी के युवराज चिराग जी को पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया जस्ट फॉर 1 ईयर 2019 से 20 में, क्योंकि 20 में इलेक्शन होने थे। 20 में अनफॉर्चुनेटली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो 20 में सब लोग ऐसे ही चलता रहा। बट 21 में भी जब इलेक्शन नहीं हो गए तो चिराग जी को जब हम सब लोगों ने साथ में बोला कि हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ, और साथ में पार्टी का एलजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होना मजबूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं माना, तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ी और इलेक्शन करना पड़ा। इलेक्शन में आज के पार्टी के जो हमारे आज के पार्टी के पशुपति पारस जी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो प्रॉपरली इलेक्शन हो गया, प्रपोजल भरा गया, नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, आप ही मीडिया के साथियों के माध्यम से हर चैनल में आया। जब प्रॉपर इलेक्शन हो गए, उस वक्त अगर चिराग जी का कोई भी थिंक टैंक अच्छा होता, कोई भी थिंक टैंक उनके साथ प्रॉपर होते, तो वो उनको बता देते कि भाई इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। हम लोगों ने भी बोला था आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराइए, हमारी कमिटमेंट है इलेक्शन कमीशन से, वहां सिंबल है हमारे पास, हमें इलेक्शन कमीशन में जाना जरूरी है। लेकिन चिराग जी ने तब तक नहीं माना। जब इलेक्शन हो गया, पारस जी अनअपोजिट इलेक्शन में जीत के आ गए। जब जीत के आ गए तो पार्टी का स्ट्रक्चर एक जो होता है पूरे देश में, जब नेशनल प्रेसिडेंट चेंज होता है, लीडरशिप चेंज हो जाती है, पूरे देश में जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स होते हैं पार्टी के, वो सब चेंज हो जाते हैं, तो पार्टी का रीशेप हो जाता है, पार्टी का नए से विस्तार हो जाता है। उसी विस्तार के हिसाब से पार्टी का पूरे देश में, कल परसों में पंजाब में भी था, पंजाब में भी हमने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, उससे पहले हम लोग चेन्नई में थे, बेंगलोर में थे, वहां भी बनाया, बिहार में भी बनाया, और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी हमने परसों श्रीनगर में वर्किंग प्रेसिडेंट जो बनाया है, उनका नाम है साहिल बशीर, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, और उसके साथ में जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर में है वो है एजाज सोफी जी, जो पार्टी के काउंसलर भी है और पिछले 10 साल से पार्टी के साथ है। उसी तरीके से जम्मू में भी हम लोग, जैसे पार्टी में हमारे पास मेजर 3 पोस्ट होते हैं, एक पोस्ट होता है हमारा पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, दूसरा होता है पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, तीसरा होता है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन संजय जी मेरे साथ ही है, जो पहले से भी पार्टी में है, ऑलमोस्ट पूरा विंग, क्योंकि सब कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व के बाहर नहीं रहता है। और आज भी लोजपा में जितने भी कार्यकर्ता पूरे देश में, चाहे संसद है, 5-5 MP है, वो सब लोग पार्टी के साथ में, पार्टी के बाहर कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग आप मीडिया के माध्यम से चिराग जी को भी गुजारिश करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि वो अपने चाचा पशुपति पारस जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ में खड़े हो जाए, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021 से लेकर 26 तक वो है, तो उनके साथ में खड़े हो जाए। वो परिवार का बच्चा है, कोई बाहर का नहीं है, हम लोगों का भी छोटा भाई है, पहले नेता भी था, तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब पहले हम पार्टी के विस्तार में, हम लोगों ने आज यहाँ पर संदीप शर्मा जी को बनाया है पार्टी का, जरा ये दे दे मेरे को एक, संदीप शर्मा जी को हम लोग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना रहे हैं, संदीप शर्मा जी को हम लोग जम्मू प्रोविंस का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना रहे हैं, और हमारे साथ में विमल भंचंदा जी है, जिसको हम पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना रहे हैं, और बाकी पार्टी में जो हमारा टीम है, संजय रैना जी है ऑलरेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन है, अनीता चांदपुरी जी है जो हमारी छोटी बहन है, और ये पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी भी है और वुमेन्स विंग को भी संभालती है, निशा जी है हमारी, अर्चना जी है, और ये रणदीप जी है, रणदीप जी हमारे पार्टी के सेल के इंचार्ज हैं,
तो पार्टी में किसान सेल भी हमारे साथ ही है, कोई भी पार्टी से बाहर नहीं है। सतवीर जी है हमारी, सतवीर जी का ईशा जी है हमारे साथ में, अर्चना जी है हमारे साथ में, जो वुमेनिस विंग है आज। तो ये सब लोग पार्टी के विंग्स हैं, पार्टी के सिंबल के साथ है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। पार्टी में कहीं पर भी कोई भी टूट फूट हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह बोला जा रहा है कि पार्टी में टूट फूट है, कोई भी टूट फूट नहीं है। पार्टी जहां पर है वैसी है, पार्टी के संसद भी साथ में। और सबसे बड़ी बात है, पार्टी का आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब एक्सेप्ट कर दिया, लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी है, तभी तो उनको देश का मंत्रालय भी मिला और देश का मंत्री भी बनाया गया। अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते तो उनको देश का मंत्री नहीं बना देते। अब अगर इसके बीच में कोई भी चिट्ठी पर्चा दिखाता है, दैट लेटर हैज नो मीनिंग, क्योंकि वो लेटर वही है जो चिराग जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद दे रहे हैं। जब चिराग जी का वहां नेशनल प्रेसिडेंट की वैलिडिटी नहीं है, तो उसके लेटर किसी को भी देने से उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर साथियों को कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। हो गया जी, थैंक यू।